नमस्कार, आप सभी का रंजना मिथिला किचन में स्वागत करती हूँ। नए साल के मौके पर चावल का खीर बना लेते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1.5 kg फुल क्रीम दूध। अब हम इसे उबाल लेते हैं। दूध उबल रहा है, तब तक इधर हम चावल को भून लेते हैं। तो चावल मैंने लिया है 1/2 कप और इसे 2 पानी से अच्छे से साफ करके और 20 मिनट पानी में भिगोया है। और ये चावल जो है ना, ये खीर का चावल है। आप चाहे तो बासमती का टुकड़ा से भी बना सकते हैं, उससे भी खीर टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं। पैन गरम हो गया है, अब मैं इसमें रख देती हूँ घी। थोड़ा सा घी लिया है मैंने, ज्यादा घी नहीं रखना है। घी गरम हो गया, अब हम इस चावल को इसमें रख करके 2 मिनट तक हमें भूनना है। बहुत ज्यादा इसे नहीं भूनना, मीडियम फ्लेम पर इसे हम भून लेते हैं। मिनट हो गया है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। दूध में एक उबाल आ गया है, अब मैं इसको चावल को रख देती हूँ। फ्लेम को मैंने लो रखा है, लो फ्लेम पे ही खीर बनाइए तो अच्छा बनेगा। और चावल जो मैंने भुना है, आप चाहे तो बिना भुने हुए भी चावल का खीर बना सकते हैं, लेकिन भून करके बनाने में चावल का खीर ज्यादा टेस्टी बनता है। चावल का खीर बनाना तो काफी आसान है, लेकिन इसे 2-2 मिनट के बाद में इसे इसी तरह चलाना पड़ेगा। खीर लगभग तैयार है, 5 से 6 मिनट और लगेगा इसे बनाने में। तो अब मैं इसमें रख देती हूँ चीनी। चीनी मैं ली हूँ 1/2 कप। मैं 1/2 कप चावल ली थी, तो 1/2 कप मैं चीनी ली हूँ। अब चीनी इसमें रख देती हूँ। आप मीठा अपने अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। और चीनी रखने के बाद में 5 मिनट और इसे पका लेते हैं। 5 मिनट हो गया है और ये देखिए, चावल और दूध साथ में गिर रहा है, इसका मतलब खीर हमारा बन गया है। अब मैं इसमें रख देती हूँ कुटा हुआ इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स लीजिए। और मैं इसे मिला देती हूँ 1 मिनट और हमारा खीर बनके तैयार है। मैं गैस को कर देती हूँ बंद और खीर हमारा बन गया। देखिए कितना टेस्टी बना है। और ये ठंडा होने के बाद में ना थोड़ा और गाढ़ा होगा। ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। आप भी अपने घर में बनाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कैसा बना। फ्रेंड्स, देखा आपने, खीर बनाना है ना आसान। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।